हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहां आपको 100 परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है साथ ही आप यहाँ पर सी ई टी एन टी एस सी ओलम्पियाड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता योर आई टी एडुकेटर फॉर क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड फोर जीरो टू का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम चैप्टर ट्वेल्व का नेक्स्ट टॉपिक ये स्टूडेंट्स चैप्टर ट्वेल्व फॉर्मेटिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट की शुरुआत कर चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो से

ट्वेल्व में स्प्रेडशीट में डेटा को वर्कशीट में जो डेटा सेल्स में आप एंटर करते हो उसे कैसे फॉर्मेट करना है कौन कौन से टूल्स होते हैं ठीक है क्या टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं डेटा को फॉर्मेट करने के लिए क्योंकि कहीं ना कहीं फॉर्मेटिंग से ओवरऑल लुक जो है आपके वर्कशीट का वो एनहांस होता है प्रेजेंटेबल वे में आप डेटा को शो करवा सकते हो सेल्स में राइट सो इसीलिए हमें फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ती है सो चैप्टर 12 का आज नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज द यूजिंग डायलॉग बॉक्स टू फॉर्मेट वैल्यूज ठीक है आप फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी सेल्स को डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो प्रीवियस वीडियो में कॉमन टूल्स हमने देखे थे जो होम टैब में फॉन्ट ग्रुप अलाइनमेंट ग्रुप में मिलते हैं क्या देखा था प्रीवियस वीडियो में हमने होम टैब में जो फॉन्ट और अलाइनमेंट ग्रुप होता है जहां कुछ कॉमन टूल्स होते हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन फॉन्ट साइज फॉन्ट कलर बॉर्डर सेट करना है अलाइनमेंट सेट करना है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मिडिल वगैरह इससे रिलेटेड हमने कुछ ऑप्शंस को डिस्कस किया था आज की इस वीडियो में सेल्स को इंडिविजुअल सेल को आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स राइट सो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को हम आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं उसके सारे टूल्स को जानेंगे और किस तरीके से आप सेल में डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो वो देखेंगे राइट सो चलिए कर लेते हैं शुरुआत आज की इस वीडियो को और देखते हैं इसमें हम फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स के बारे में सो अपार्ट फ्रॉम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यू कैन मेक चेंजेस इन ऑफ वैल्यूज यूजिंग सेल डायलॉग बॉक्स देखो अपार्ट फ्रॉम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट टेक्स्ट को फॉर्मेट करना अब ये फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में क्या आ रहा है आपका कॉमन टूल्स की बात हो रही बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन फॉन्ट साइज फॉन्ट कलर वगैरह की फॉन्ट स्टाइल की तो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के अलावा यू कैन मेक चेंजेस इन फॉर्मेट ऑफ वैल्यूज जो सेल में आप डेटा वैल्यू एंटर करते हो उसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हो अपार्ट फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बाई यूजिंग दी फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स सो सेल में जो आपने डेटा एंटर किया है सेल में आपने नंबर एंटर किया है टेक्स्ट एंटर किया है डेट टाइम इं, इंसर्ट किया है कोई फंक्शन या कोई फॉर्मूला एंटर किया हुआ है सो so उन वैल्यूज को आप फॉर्मेट कर सकते हो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के साथ ठीक है so सो अब इस डायलॉग बॉक्स में आपको कौन कौन से टूल्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप ये फॉर्मेटिंग कर सकते हो सो दिस डायलॉग बॉक्स हैज वेरियस टैब्स इस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे ऐसे टैब्स होते हैं जैसे नंबर अलाइनमेंट फॉन्ट बहुत ऑर्डर, फिल प्रोटेक्शन है ना सो so, देखो वही सारे टूल्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे जिसमें आप फॉन्ट की अलाइनमेंट की सेटिंग कर सकते थे कुछ नंबर की सेटिंग कर सकते थे वही टूल्स आपको इस डायलॉग बॉक्स में भी मिलेंगे ठीक है सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉन्ट अलाइनमेंट नंबर डायलॉग बॉक्स के बारे में बताया था उनके लॉन्चर्स के भी बारे में बताया था यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको ये चीज याद आ रही होगी कि मैंने उसमें आपको इन सारे ऑप्शन के बारे में बताया था लाइक नंबर अलाइनमेंट फॉन्ट तो फॉन्ट जो ग्रुप था

सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन नंबर ग्रुप कहां पर आपको क्लिक करना होगा नंबर ग्रुप के अभी नंबर ग्रुप कहां मिलेगा होम टैब में तो होम टैब के नंबर ग्रुप पर होम टैब के नंबर ग्रुप पर आपको लॉन्चर पर क्लिक करना है नंबर ग्रुप के लॉन्चर पर क्लिक करना है ही लॉन्चर पर क्लिक करोगे तो आपको फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन होकर शो होगा ठीक इतना समझ में आया जो मैंने स्टेप्स लिखी आपके सामने है ये है। इस में आपको फर्दर ग्रुप्स दिख रहे सेटिंग दिख रही है जहां फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट कलर फॉन्ट का साइज बॉर्डर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन फॉन्ट कलर वगैरह आप सेट कर पा रहे हो वहीं अलाइनमेंट होता है अलाइनमेंट ग्रुप पे क्लिक करोगे तो सेंटर लाइट मिडिल राइट सेंटर मिडिल बॉटम टॉप अलाइनमेंट सेट कर पाओगे आप

होम टैब के नंबर ग्रुप के लॉन्चर तो लॉन्चर कहां मिलेगा एकदम बॉटम राइट कॉर्नर पर बॉटम राइट कॉर्नर पर आपको ये लॉन्चर मिलेगा इस लॉन्चर पे जैसे ही क्लिक करोगे इस लॉन्चर पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो आपको शो होगा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरीके से बेसिकली इस डायलॉग बॉक्स का अपना कमाल है ठीक है सेल्स को आप फॉर्मेट कर सकते हो सो द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपनस व्हेन यू क्लिक ऑन

रिगार्डिंग सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो ठीक है जैसे अब हम डिस्कस करेंगे सेटिंग कर दी आपने उसके बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर सेटिंग अप्लाई हो जाएगी क्लियर हुआ कि फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन कैसे करना है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो आपको होम टैब के नंबर ग्रुप के लॉन्चर पे क्लिक कर लेना है जैसे ही लॉन्चर पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें छह टैब्स आपको मिलेंगे नंबर अलाइनमेंट अलाइनमेंट फॉन्ट फिल पैटर्न प्रोटेक्शन ठीक है अब यहां देखो और में जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना वो यही ऑप्शन मिलेंगे फॉन्ट से रिलेटेड अलाइनमेंट से रिलेटेड ठीक है वो जो ऑप्शन आपको वहां मिल रहे थे वो आप यहाँ से क्विकली एक्सेस कर सकते हो होम टैब से भी सो फॉन्ट और अलाइनमेंट से रिलेटेड जो आपको डायलॉग बॉक्स में ऑप्शन देखना है वो सभी यही ऑप्शन आपको मिलेंगे ठीक है इतना समझ में आ रहा है सो डायलॉग बॉक्स के जो ऑप्शंस हैं वो आपको सब यहां पर भी मिल जाते हैं बट ये क्विकली एक्सेस होते हैं Frequently आप यहां से एक्सेस कर सकते हो आपको लॉन्चर में में डायलॉग बॉक्स जाने की जरूरत नहीं होती बाकी आपको वैसे ही नंबर पे जब क्लिक कर रहे हो तो जो चीज़ें आपको यहाँ मिल रही है वो आपको इस नंबर टैप पर भी मिलेगी पर कुछ लिमिटेड ऑप्शन रहेंगे आपको डिटेल में यदि सेटिंग करनी है ज्यादा तो हमें ऑब्वियस उसके लॉन्चर के थ्रू डायलॉग बॉक्स को एक्सेस करना होता है आप इस box का यूज जान कि क्या होता है यदि आपको cell में लिखे हुए को फॉर्मेट करना है तो उसके लिए इस डायलॉग बॉक्स का क्या मतलब होता है सेल के डेटा को आप कैसे बदल सकते हो डेटा को वैल्यूज को आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हो सो so, फर्स्ट इसमें जान लेते हैं फॉर्मेटिंग रेंज ऑफ सेल्स विद डेसिमल प्लेसेस यदि आपको डेसिमल प्लेसेस को चेंज करना है जो भी सेल में आपने वैल्यूज लिखी हुई है उन सेल्स में यदि आपने डेसिमल वैल्यूज लिखी है तो आप डेसिमल प्लेसेस भी सेट कर सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये यह शीट देख रहे हो इस शीट में

ये एग्जाम्पल ना लेके हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने अपने स्टूडेंट क्लास के स्टूडेंट्स की शीट बनाई हुई है ठीक है भाई अब यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स की शीट बनाई है तो यहाँ आपने कुछ डिटेल एंटर किया हुआ है स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर किया हुआ है स्टूडेंट का नाम एंटर किया हुआ है उसके मार्क्स एंटर किए हुए कितने आए हैं और उसके परसेंटेज एंटर किए हुए ठीक है तो आपने नाम रोल नंबर मार्क्स वगैरह एंटर कर दिया अब ये परसेंटेज आप चाहते हो कैसा हो ये परसेंटेज आप चाहते हो कि डेसिमल के साथ हो जैसे सपोज पहले स्टूडेंट का परसेंटेज नाइन्टी रहा है ना नेक्स्ट स्टूडेंट का फिफ्टी रहा तो ये डेसीमल के साथ में आप वैल्यूज को चाहते हो ठीक है सो फॉर्मेटिंग अ रेंज ऑफ सेल्स विद डेसिमल प्लेसेस जब आप डेसिमल प्लेसेस के साथ वैल्यूज को चाहते हो एक्सेप्ट करना चाहते हो कि डेसिमल के बाद कितने नंबर शो हो डेसिमल का नंबर शो हो नहीं हो तो आप इस पर्टिकुलर

ठीक है थाउजेंड टू डेसिमल के साथ वैल्यू चाहिए तो आप इन कॉलम्स की जो वैल्यूज है जो आपने एंटर की हुई है इन्हें आप फॉर्मेट कर सकते हो डेसिमल प्लेसेस के साथ भी सो नंबर इन एक्सेल कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्मेट एक्सेल में नंबर को आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हो एक्सेल में नंबर को हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हो आप चाहो तो नंबर को सिंपल से लिख सकते हो आप चाहो तो इसी number को आप decimal में भी present कर सकते हो सकते हो एक नंबर को बाई so, डिफॉल्ट कैसे जो आपने नंबर लिखा तो जनरल फॉर्मेट में होता है जो क्या अलाउ करता है जो अलाउ करता है आपको डिस्प्ले दंबर्स विच मेनी डेसीमल डिजिट एज रिक्वायर्ड तो जनरल फॉर्मेट में जितने डेसीमल डिजिट जो है रिक्वायर होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको शो होता है आप चाहो तो इन डेसिमल प्लेसेस को आगे बढ़ा सकते हो आप चाहो तो डेसिमल प्लेसेस में जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है आप वो कर सकते हो आप चाहो तो नॉर्मल इंटीजर पार्ट को भी एक्सेस कर सकते हो राइट सो नंबर्स एक्सेल में डिफरेंट फॉर्मेट में आप एंटर कर सकते हो डेसिमल नंबर्स नंबर्स भी भी हो सकते, भी हो सकते सकते हैं हैं विदाउट डेसिमल ठीक है इन्हें डिस्प्ले करवाने के लिए हमें जनरल सेट करनी होती है ठीक है सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट द चेंजिंग ऑफ इट्स अपियरेंस यदि आप यहां पे नंबर्स के फॉर्मेट में कुछ मॉडिफिकेशन करते हो तो जनरल अपियरेंस बदलता है जैसे सपोज आपने सेल में थाउजेंड एंटर किया ठीक है तो यदि आपने इसको डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग एंटर किया है तो इसका अपियरेंस बदल रहा है बट इस

then it only modifies the appearance but not the actual cell value appearance badalta hai na ki actual cell value badalti hai also the result of performing calculation will remain cell मतलब जब आप calculation भी perform करोगे तो वो भी same ही आएगा जैसे cells आपने enter करी थाउजेंड ठीक है फिर आपने enter करी थाउजेंड के बाद फाइव हंड्रेड सिक्स थर्टी इस तरीके से ठीक है अब आपने इस पर्टिकुलर रो में कॉलम में जो डेटा एंटर था इसको ये इंटीजर टाइप का था नंबर टाइप था जनरल आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हो तो जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो पॉइंट जीरो जीरो सब में ऐड हो जाता है तो अब आप इसका कैलकुलेशन करोगे टोटल करोगे तो भी वही आंसर आएगा और जब आप इसके नंबर पार्ट का भी करोगे जब ये नंबर में था तब भी जो कैलकुलेशन करोगे वो भी सेम ही आएगा मतलब आप डेसिमल पार्ट में कैलकुलेशन कर रहे हो या आप नंबर में कैलकुलेशन करवा रहे हो तो इक्वल इन दोनों में 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 कोई चेंज नहीं होगा आई बात समझ में? तो आप यदि एक्सेल नंबर फॉर्मेट निकालोगे फाइनली आंसर भी कैलकुलेट करोगे सेम वो सेम ही रहेगा क्यों क्योंकि हमने यहाँ पर जनरल अपियरेंस बदला है ना कि हमने एक्चुअल सेल का कंटेंट बदला है जब एक्चुअल सेल का कंटेंट बदलते हो तो उसे एडिटिंग कहते हैं जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है फॉर्मेटिंग का एक्चुअल मतलब यही होता है कि आप टेक्स्ट का अपियरेंस बदल रहे हो ठीक है क्लियर हो रही है अच्छे से बात ये समझ में आ रही है सो so, ये पॉइंट नोट करने वाला है दैट चेंजिंग फॉर्मेट ऑफ नंबर्स ओनली मॉडिफाइज द अपियरेंस बट नॉट द एक्चुअल डेटा एंड आल्सो द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस विल रिमेन सेम जो भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे उसका जो आंसर आएगा वो भी सेम ही होगा ओके okay, चलिए सो so, दोनों लाइन इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई अब एग्जाम्पल देख लें जो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया डिफरेंट मंथ है सेल्स वगैरह एंटर किया हुआ है ना तो आपको कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए पहले आपके पास वर्कशीट में डेटा एंटर्ड होना चाहिए सो लेट लेटेस्ट लर्न द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग नंबर्स बाय यूजिंग सैंपल डेटा गिवन इन द फिगर सो यहां जो हमने देखा सैंपल डेटा इसी डेटा की मैं बात कर रही हूं जिसमें गीवन मंथ दिए हुए मार्च जून और सेल्स दी हुई है कुछ इस तरीके से एक्सपेंसेस दिए हुए इंसेंटिव अमाउंट और एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ है और साथ ही उसका टोटल भी आपको यहां पे कैलकुलेटेड दिख रहा है ठीक चलिए तो ये डेटा हमने कंसिडर कर लिया

होम के सेल्स ग्रुप में आपको फॉर्मेट बटन मिलेगा वहां पे क्लिक कर लो सिलेक्ट सेल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉपडाउन लिस्ट सो वहां से आपको एक ड्रॉपडाउन लिस्ट दिखेगी और आप वहां से फॉर्मेट सेल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे ड्रॉपडाउन लिस्ट से तो आपके सामने अगेन फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा ये फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं मैंने बता चुका है आपको पहले भी ये चीज कि किसी भी काम को करने का कंप्यूटर में एक से ज्यादा वे होता है एक से ज्यादा तरीके होते हैं जैसे कट कॉपी पेस्ट करना है तो आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हो माउस के थ्रू कर सकते हो राइट क्लिक करके कर सकते हो राइट यह डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल जाते हैं ऊपर रिबिन में टैब्स में वहां से भी कर सकते हो एक बार ऑप्शन को एड करके भी कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ये जो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स से है जिसकी मैं बात कर रही हूँ इसको ओपन करने के लिए भी एक से ज्यादा तरीके होते हैं। पहला तरीका तो हमने देख लिया भाई की नंबर ग्रुप में होम टाइप के नंबर ग्रुप के लॉन्चर पे क्लिक करते हो तभी ओपन हो जाता है

दूसरी मैथड क्या जो मैंने बताया आपको कि क्लिक ऑन द नंबर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर अंडर दी होम टैब वही होम टैब के जो मैं मैथड आपको स्टार्टिंग में बताई होम टैब के नंबर्स ग्रुप में नंबर्स

ठीक है अब स्क्रीन पर जब ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा तो हमें डेसिमल प्लेसेस सेट करने हैं राइट तो जब आपको डेसिमल प्लेसेस सेट करने हैं तो इस नंबर ग्रुप के जो डिफॉल्ट नंबर टैब आपको दिखेगा इस नंबर टैब में ही आपको कुछ कैटेगरीज़ दिखेंगी जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जनरल नंबर करेंसी अकाउंटिंग डेट टाइम

कलेक्ट करी तो नंबर में आप डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने नंबर चाहते हो डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने नंबर चाहते हो तो यहाँ राइट साइड में आपको डेसिमल प्लेसेस एंटर करना है कि डेसिमल के बाद आप दो नंबर चाहते हो तीन नंबर चाहते हो कितने डिजिट चाहते हो डेसिमल के बाद सपोज मैंने नंबर लिखा यहां पे 1000 तो डेसिमल के बाद हम दो डिजिट चाहते हैं तो डेसिमल के बाद दो डिजिट शो होगी तो आपको यहाँ डेसिमल प्लेसेस में वो डिजिट सिलेक्ट कर लेनी है ड्रॉप डाउन एरो यहाँ पे मिलेगा एरो के थ्रू आप या तो कर सकते हो या क्लिक कर भी कर सकते हो ठीक तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ आपको क्या शो होगा से से आपको आप कर तो so, सेट करना है डिफरेंट वे में तो आप सेट कर सकते हो सो so, क्या देखा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में हमने बाई डिफॉल्ट नंबर टैब इज सिलेक्टेडियस नंबर टैब उसमें सिलेक्टेड है बाकी इसके अलावा फॉन्ट अलाइनमेंट प्रोटेक्शन फिल ये सारे टैब भी होते हैं तो नंबर टैब सबसे पहला टैब होता है फॉर्मेट सेल्स में जो सिलेक्टेड होता है अब यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट से आपको नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो लेफ्ट साइड पे कैटेगरी था फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे नंबर टैब था पहला इस नंबर टैब को हमने सेलेक्ट किया जिसमें लेफ्ट साइड पे कैटेगरी था कैटेगरी में डिफरेंट कैटेगरी शो हो रही थी जनरल कैटेगरी नंबर कैटेगरी टेक्स्ट है ना और इसी के साथ आपका डेट टाइम डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको कैटेगरी शो हो रही थी जिसमें हमने किसे सिलेक्ट किया जिसमें हमने सेलेक्ट किया है नंबर को क्योंकि नंबर को आप कन्वर्ट करने वाले कैटेगरी से दूसरी साइड इसी डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे होता है डेसीमल प्लेसेस क्या होता है यहाँ पर डेसीमल प्लेसेस तो कितने डेसीमल प्लेसेस आपको सेट करने हैं उसके लिए यहाँ एक ड्रॉप डाउन मैन्यू बना होता है फिर यहाँ पर यदि निगेटिव नंबर है तो वो डेसीमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग कैसा शो होगा देन एट लास्ट यहाँ पे ओके okay और कैंसिल बटन होते हैं ठीक है

इतना समझ में आ गया अच्छे से चलिए आप देख लेते हैं फॉर्मेटिंग अ रेंज लेबल्स। रेंज ऑफ ऑफ सेल्स एज लेबल्स सेल को आप लेबल की तरह कैसे सेट कर सकते हो अभी हमने नंबर को कैसे चेंज करना है वो तो देख लिया बट आप रेंज ऑफ सेल्स में जो डेटा लिखा हुआ है जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको लेबल में यदि कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे सो देयर इज सम न्यूमेरिक डेटा दैट कैन नॉट बी ट्रीटेज एज न्यूमेरिक वैल्यू कुछ ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू रहती है जो नंबर टाइप के नहीं होती न्यूमेरिक वैल्यू है लेकिन नंबर टाइप की नहीं होती है सच एज रोल नंबर रोल नंबर जैसे कि नंबर में होते हैं लेकिन कैलकुलेशन के लिए यूज करते हो क्या नहीं करते हो ना नंबर टाइप नहीं होता है मोबाइल नंबर वो भी आपका नंबर में होता है डिजिट्स में होता है बट के लिए एक न्यूमेरिक टाइप वैल्यू की तरह एक्सेस नहीं किया जाता है अकाउंट नंबर अगेन है ना एंड सो ऑन सो ऐसे ही टेलीफोन कोड टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर रोल नंबर इनरोलमेंट नंबर अकाउंट नंबर है ना आपका जो आधार कार्ड नंबर होता है ऑलमोस्ट ये जो सारी चीजें होती है ये न्यूमेरिक होती है बट कैलकुलेशन के लिए या फिर हम इस तरीके से डेटा में यूज नहीं करते हैं वो नंबर टाइप डेटा नंबर जैसा दिखता है लेकिन एक्चुअल नंबर टाइप डेटा नहीं होता है जैसे मार्क्स परसेंटेज या कुछ प्राइस फीस ये नंबर डिजिट होती है जिनको फर्दर आप कैलकुलेट कर सकते हो है ना इनको आप नंबर टाइप का ही शो करोगे लेकिन ये जो डेटा होता है रोल नंबर मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर ये न्यूमेरिक वैल्यू की तरह ट्रीट नहीं होता है एक्चुअल नंबर टाइप डेटा होता है लेकिन न्यूमेरिक डेटा की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है सो दिस डेटा वैल्यूज डू नॉट अंडर एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन वही जो बात मैंने बताई कि ये जो डेटा वैल्यूज है मोबाइल नंबर रोल नंबर अकाउंट नंबर ये किसी कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं किए जाते हैं सो दिस टाइप ऑफ डेटा कैन बी फॉर्मेटेड एज टेक्सट और लेबल्स तो इस टाइप के डेटा को आप नंबर या डेसिमल टाइप का डेटा सेट नहीं करोगे आप इसे कैसा सेट कर सकते हो टेक्स्ट या लेबल की तरह सेट कर सकते हो सो so, जब आपने अपने कॉलम में मतलब जो भी आपने सेल बनाई हुई है वर्कशेट बनाई हुई है उसमें यदि आपने रोल नंबर यूज किया हुआ है टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर यूज किया हुआ है तो उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को आप कैसे सेट कर सकते हो कैसे फॉर्मेट कर सकते हो टेक्स्ट और लेबल की तरह फॉर्मेट कर सकते हो ठीक है तो कैसे करोगे आप टेक्स्ट और लेबल की तरफ फॉर्मेट क्या स्टेप्स बेसिकली इसके लिए आप फॉलो करोगे सो फर्स्ट टू सिलेक्ट द न्यूमारिक डेटास्ट और लेबल

के 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 से, 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 ठीक है दूसरा तरीका क्या देखा अगेन हमने होम टैब के सेल्स ग्रुप से होम टैब के सेल्स ग्रुप से आपको फॉर्मेट पर क्लिक कर लेना है देन फॉर्मेट सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा

सो so, अभी प्रीवियसली हमने देखा कि नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है किसी कॉलम को जिसमें नंबर लिखे हुए हैं उसको यदि डेसिमल डिजिट के साथ शो करवाना है तो क्या करना है है ना आपको पर्टिकुलरली टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फॉर्मेट सर डायलॉग बॉक्स वहाँ पर नंबर कैटेगरी में जाके आपको

कैटेगरी में, में, में आपको बहुत सारी कैटेगरी दिखेगी तो में से सिलेक्ट कर लेना है को या को. आपको दिख जाएंगे सो क्लिक ऑन दी नंबर टैब नंबर टैब डिफॉल्ट वैसे ओपन ही होता है नंबर टैब में कैटेगरी सेक्शन से आपको टेक्सट को सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट द टेक्स्ट अंदर कैटेगरी सेक्शन कैटेगरी सेक्शन से किससे सिलेक्ट कर लेना है

कैटेगरी सेक्शन में टेक्स्ट सिलेक्ट कर दिया कैटेगरी सेक्शन में टेक्स्ट सिलेक्ट कर दिया जैसे ही टेक्स्ट सिलेक्ट करा तो अब आप देखो यहां पर सेम टेबल में देखो नंबर रोल नंबर जो है वो अभी यहां जो राइट अलाइन थे वो क्या हो गए लेफ्ट अलाइन हो गए क्या हो गए लेफ्ट अलाइन हो गए और अब ये यह, यहां पे नंबर टाइप के थे जिसमें आप कैलकुलेशन भी करवा सकते थे अब यहां पे ये टेक्स्ट टाइप के हो गए ठीक है तो आपने इस सेल में कर दिया था, में वैसी, आपने यहां रोल वाले कॉलम को किस में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर टेक्स्ट में उसी तरीके से देखो मोबाइल नंबर को भी ये मोबाइल नंबर में जो कॉलम लिखे हुए सेल में कहा राइट अलाइन है ध्यान से देखो ये मोबाइल नंबर ये अभी कहा है राइट अलाइन है दिख रहा है राइट अलाइन टेक्स

क्लियर हो रही है? मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं जनरली यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेट सेल में जाकर नंबर टाइप जो डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है उसमें आपको कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरीज दिख जाएंगी जनरल नंबर करेंसी अकाउंटिंग डेट टाइम परसेंटेज फ्रैक्शन साइंटिफिक

नंबर नम, जब आप फॉर्मेट सेल्स पर जब आप क्लिक करते हो तो फॉर्मेट सेल्स वाला जो डायलॉग बॉक्स है उस डायलॉग बॉक्स में कैटेगरी शो होती है ना तो कैटेगरी से ही आप डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हो कैटेगरी से आप जनरल तो नॉर्मल होता है जैसा आपको डिफॉल्ट दिखता है उसके अलावा आप डेसिमल प्लेसेस में सिलेक्ट करना चाहते हो तो नंबर टाइप सिलेक्ट कर लो टेक्सुअल डेटा करना चाहते हो तो टेक्स सिलेक्ट कर लो डेट टाइम सेट करना चाहते हो तो डेट सिलेक्ट कर लो टाइम जैसा सेलेक्ट करना चाहते हो तो टाइम सिलेक्ट कर लो वही एक साइंटिफिक भी होता है तो साइंटिफिक को कैसे आप सेट करोगे ये भी एक कैटेगरी होती है नंबर को कन्वर्ट करने की सो द साइंटिफिक फॉर्मेट ऑल्सो रिफर्ड टू एज करवाना एक साइंटिफिक फॉर्मेट में मतलब का जो फॉर्मेट होता है ना वो वो साइंटिफिक नोटेशन में जब आप किसी नंबर को लिखते हो तो यहां पर आपको क्या करना होगा कैटेगरी से जाकर साइंटिफिक सिलेक्ट कर लेना होगा ठीक है जैसे कैटेगरी से हमने टेक्स सिलेक्ट किया कैटेगरी से हमने नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया बिल्कुल होता है वही लोग इस पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं ऑप्शन का कैटेगरी का यूज करते हैं कैसा होता है साइंटिफिक नंबर कुछ इस तरीके से देखो ये नॉर्मल नंबर आपके लिखे हुए जीरो पॉइंट जीरो 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 इस पर्टिकुलर नंबर को यदि आप इन शॉर्ट करवाना चाहते हो तो आप इस डेसिमल नंबर को साइंटिफिक सिलेक्ट कर लो ठीक है इस सेल के डाटा को साइंटिफिक सिलेक्ट कर लो तो जैसे ही आपने साइंटिफिक सिलेक्ट किया इतने डाटा को तो ये लार्ज फॉर्मेट से स्मॉल फॉर्मेट में आ गया फॉर्मेटेड एट साइंटिफिक तो 1.90 एक्सपोनेंशिएशन टू 09 मतलब पावर 09 इस तरीके से ये साइंटिफिक नोटेशन होता है डाटा इस तरीके से शो होता है राइट right?

में इन शॉर्ट 1.4 109 क्लियर हो रहा है 1.4 109 तो ये इसका क्या हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा ठीक है मतलब हम इसको इन शॉर्ट डेसिमल प्लेसेस में इस तरीके से लिख पा रहे हैं जैसे आप वो एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं करते हो क्या है ना मैथ्स में देखा होगा ना बिल्कुल वैसे ही सो इफ यू अप्लाई द साइंटिफिक नोटेशन फॉर्मेट टू दिस सेल कंटेनिंग दिस नंबर विल डिस्प्ले 1.4e-09 तो ये इस तरीके से आपको साइंटिफिक नोटेशन में शो होगा ये इसका डेसिमल फॉर्मेट हो गया

वही स्टेप्स फॉलो करेंगे पहले हमने नंबर में डेसिमल प्लेसेस सेलेक्ट किया था फिर हमने कैटेगरी से टेक्सुअल डेटा सिलेक्ट किया था अब यहां से सेम कैटेगरी से हम साइंटिफिक सिलेक्ट करेंगे सो टू फॉर्मेट द रेंज इन साइंटिफिक फॉर्मेट फॉलो दिस गिवन स्टेप्स फर्स्ट सिलेक्ट द स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल्स टू बी फॉर्मेटेड साइंटिफिक जिन भी रेंज ऑफ सेल्स को आपको साइंटिफिक सेट करना करना है है फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द रेंज रेंज आपको उन पर्टिकुलर को करना है. इसके बाद अब आपको फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स पे जाना है तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के एक से ज्यादा तरीके हैं उस पर्टिकुलर सेल को जिनको आपने सेलेक्ट किया उस पर राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट सेल पे जा सकते हो नंबर ग्रुप के लॉन्चर से फॉर्मेट सेल पे जा सकते हो सेल्स ग्रुप के लॉन्चर से भी फॉर्मेट सेल्स पे जा सकते हो या yeah, सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट ऑप्शन मिलेगा वहां से भी आप सेल फॉर्मेट सेल ऑप्शन पे जा सकते हो सो so, यहाँ पे जो तरीका यूज किया है वो राइट क्लिक वाला है राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड रेंज जो आपने रेंज सिलेक्ट किया उस पे राइट क्लिक करो ड्रॉप डाउन लिस्ट से फॉर्मेट सेल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो फॉर्मेट सेल ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा जैसे सपोज आपने यहां पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जो अभी अपने एक्जाम्पल देखा जीरो पॉइंट ज़ीरो 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 जीरो ज़ीरो ज़ीरो वन फोर इस तरीके से ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो 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 जीरो वन नाइन ऐसा कुछ आपने डेटा लिखा हुआ है ठीक है समझ में आ रही है मेरी बात अब आप इस डेटा को किस में कन्वर्ट करवाना चाहते हो आप इस डेटा को कन्वर्ट करवाना चाहते हो किस में आप इस डेटा को कन्वर्ट करवाना चाहते हो साइंटिफिक नोटेशन में तो क्या कर लेना है आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट करके क्या करोगे सिलेक्ट करके इस पर आपको करना है राइट right क्लिक क्या करना है राइट क्लिक माउस से राइट क्लिक करते आता है जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आपको खुलेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दिखेगी जिसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है फॉर्मेट सेल्स फॉर्मेट सेल्स पे जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में अगेन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में यहाँ कुछ टैब्स होते हैं नंबर फॉन्ट फिल अलाइनमेंट प्रोटेक्शन जिसमें नंबर टैब डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है कौन सा टैब सिलेक्ट होता है कौन सा टैब ये नंबर टैब आपको सिलेक्ट दिखेगा इस नंबर टैब पे जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ सबसे पहले आपको दिखेंगे क्या कैटेगरी सो इन कैटेगरी से इस कैटेगरी ऑप्शन में आपको डिफरेंट कैटेगरी विजिबल होगी कौन कौन सी कैटेगरी आपको यहाँ विजिबल होगी सपोज हम बात कर लें यहाँ पे जो कैटेगरी आपको विजिबल होगी जनरल कैटेगरी होगी नंबर कैटेगरी होगी ठीक है टेक्स्ट टाइप की कैटेगरी होगी डेट टाइप की होगी टाइम होगा, वही साइंटिफिक भी एक कैटेगरी होगी क्या होगी साइंटिफिक एक कैटेगरी होगी तो आपको किस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है यहां से यहां से आपको साइंटिफिक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है जैसे साइंटिफिक कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे देन एट लास्ट आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखेंगे ओके और कैंसिल ठीक है साइंटिफिक कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद ओके okay पे क्लिक कर देना जैसे ही ओके okay पे क्लिक करोगे तब ये जो गिवन डेटा है जो आपने यहाँ सेलेक्ट किया था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से आपके साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब कुछ वन पॉइंट फोर ई ज़ीरो नाइन ऐसे कुछ वन पॉइंट टू एट ई जीरो टेन लाइक दिस इस तरीके से आपका साइंटिफिक नोटेशन में ये डेटा कन्वर्ट हो जाएगा स्टेप समझ में आ गई अच्छे से क्या समझाया मैंने आप यहाँ पे ये जो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है फॉर्मेट फॉर्मेट सेल सेल डायलॉग डायलॉग बॉक्स की मैं बात कर रही हूं, ये जो box, इसको ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं तीन से चार तरीके मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं सबसे इजी तरीका यही होता है राइट right क्लिक करो फॉर्मेट सेल ऑप्शन पे जाओ ये ओपन हो जाएगा या होम टैप से नंबर ग्रुप के लॉन्चर से या होम टैप के सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट ऑप्शन से भी ओपन कर सकते हो ठीक है चलिए इतना अच्छे से समझ में आ गया साइंटिफिक का क्या रोल है सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट कर लो राइट right क्लिक करो फॉर्मेट सेल ऑप्शन ओपन हो जाएगा

हो जाएगा सो so, तीनों तरीके हमने यहां पर देख लिए क्या कि आप टेक्स्ट की तरह कैसे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो नंबर्स को में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो मतलब नंबर को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल के पास कितनी डिजिट्स आपको चाहिए ठीक है नंबर को आप कैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स की मदद से साइंटिफिक नोटेशन में यदि नंबर को सेट करना है तो आप फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स से साइंटिफिक कैसे सेट कर सकते हो आप देखते हैं फॉर्मेटिंग अ सेल ऑफ रेंज एस डेट एंड टाइम डेट एंड टाइम में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो तो वही सेम

बेसिकली इन सभी डेट फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है ठीक है समझ में आ रही है बात? सो एक्सेल प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ प्री डिफाइंड डेट एंड टाइम फॉर्मेट्स फॉर डिफरेंट लोकल्स इन अ स्प्रेडशीट द यूजर कैन चेंज द डेट एंड टाइम इन द डिफरेंट फॉर्मेट डेट टाइम को आप डिफरेंट फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो एक्सेल में स्प्रेडशीट में ओके सो डिस्प्ले डेट इन डिफरेंट फॉर्मेट यदि आपको डेट को डिफरेंट फॉर्मेट में डिस्प्ले करवानी है देन फॉलो दी गिवन स्टेप्स फर्स्ट जिस कॉलम में आपने डेट को, को एंटर किया हुआ है उस कॉलम को आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है उस रेंज ऑफ सेल्स को आपको पहले सिलेक्ट करना है सो स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल्स को फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द रेंज नाउ क्लिक ऑन दी फॉर्मेट बटन इन द सेल्स ग्रुप अभी राइट right क्लिक की बात कर रहे थे आप फॉर्मेट बटन की बात कर लो कोई भी ऑप्शन यूज कर लो होम टैप के और यहां से आपको फॉर्मेट सेल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से सारे तरीके हम देख चुके हैं है ना जो तरीका आपको ईजी लगे

फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा अब इस फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स से आपको यहाँ पे जो कैटेगरी सेक्शन मिलेगा चाहे यहाँ कुछ टैब्स होंगे ना तो उन टैब्स से नंबर टैब आपके सामने ओपन होगा डिफॉल्ट इस नंबर टैब में कैटेगरी सेक्शन से कैटेगरी सेक्शन से अब आपको क्या सिलेक्ट कर लेना है यहाँ जनरल नंबर साइंटिफिक टेक्स्ट ये सब हमने देख लिया डेट मिलेगा और उसी के बाद आपको टाइम भी मिलेगा तो यहाँ आपको जिसे सिलेक्ट करना है वो होगा डेट डेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है ये सारी कैटेगरी को ही पढ़ रहे हैं हम अभी तक है ना कौन कौन सी कैटेगरी में आप डेटा को सेट कर सकते हो डेट को सिलेक्ट कर लेना जैसे डेट को सिलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे राइट साइड पे जैसी डेट को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ राइट साइड में डेट के फॉर्मेट आपके सामने ओपन हो जाएंगे डिफरेंट डेट के फॉर्मेट अवेलेबल हो जाएंगे सो so, जो भी डेट का फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है हाईफन के साथ डेट या फिर सिलेक्श स्लैश uh, के साथ डेट सिलेक्ट करना है कुछ टेक्सचुअल डेट सेलेक्ट करना है सो डिफरेंट ऑप्शन में जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है आपको हाइफन से शो करवाना है तो उसे सिलेक्ट कर लेना नाउ क्लिक ऑन ओके okay, बस फिर क्या करना है ओके okay, पे क्लिक कर देना जैसे ही okay, ओके पे क्लिक करोगे तो जो डेट फॉर्मेट आपने सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेक्टेड रेंज होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी सो सिलेक्ट द डेट अंडर कैटेगरी सेक्शन सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉर्मेट फॉर डेट फ्रॉम द राइट पेन ऑफ द क्लिक ऑन ओके ठीक है तो राइट साइड लेफ्ट साइड में कैटेगरी राइट साइड में क्या मिलेगा आपको देखो लेफ्ट साइड में आपको राइट साइड right में आपको स्लेश right तो से हाइफन से टेक्सट से है ना डी डी एम एम वाई 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 वाला फॉर्मेट हर फॉर्मेट आपको अवेलेबल होंगे जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग डेट सिलेक्ट हो जाएगी टू दैट टाइम इन डिफरेंट फॉर्मेट डेट तो देख लिया अब यदि आपको टाइम को डिफरेंट फॉर्मेट में शो करवाना है किसे टाइम को तो क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे आप टाइम डिफरेंट फॉर्मेट में कैसे कुछ इस तरीके से देखो है ना देख सकते हो आप टाइम के भी फॉर्मेट ही अवेलेबल है टाइम आपको कैसे शो करवाना है इस तरीके से शो करवाना है या टाइम आपको इस तरीके से शो करवाना है या फिर टाइम ए एम वगैरह में आप शो करवाना चाहते हो पी एम वगैरह में शो करवाना ये टाइम का फॉर्मेट होता है छ, एच एच एम एम

और फॉर्मेट सेल ऑप्शन पे चले जाना फॉर्मेट सेल ऑप्शन पे जैसे ही जाओगे तो आपके सामने फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में आपको कहाँ जाना है नंबर टैब पे जाना है क्लिक ऑन दी नंबर टैब जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है उस नंबर टैब में कैटेगरी सेक्शन में लेफ्ट साइड पे जो कैटेगरी सेक्शन मिलेगा उस कैटेगरी सेक्शन से सिलेक्ट दैट टाइम क्या करना है कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करना है टाइम टाइम अंडर कैटेगरी सेक्शन जैसे करोगे तो वहां पर राइट right पेन से फिर डिफरेंट टाइम के फॉर्मेट दिखेंगे जो फॉर्मेट मैंने अभी आपको है, उन टाइम फॉर्मेट में से जो भी टाइम फॉर्मेट आपको सही लगता है ए एम पी एम एच एच एम एम वाला एच एच एम एम एस एस वाला फॉर्मेट वो फॉर्मेट आपको सिलेक्ट कर लेना है नाउ क्लिक ऑन ओके सो जो रिक्वायर्ड टाइम आपने सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा शो होगा आ रही बात समझ में क्या समझाया वही सेम स्टेप्स देखो सपोज ये टाइम वाला डेटा है ओके okay, इसको हम प्रीवियस वाले एग्जांपल ही ही पर देख लेते हैं ये आपने डिस्प्ले डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ टाइम में लिखा हुआ है फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट इट आपको इसको क्या करना है सिलेक्ट कर लेना है जैसे ही सिलेक्ट करोगे राइट क्लिक कर लेना राइट क्लिक करोगे तो राइट right क्लिक करते से ही ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको सिलेक्ट कर लेना है फॉर्मेट सेल्स किसको फॉर्मेट सेल्स को जैसे ही फॉर्मेट सेल्स को सिलेक्ट किया तो फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन होगा क्या होगा फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स में आपको नंबर टैब्स को डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड है उसी पर आना है नंबर टैब में आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा कैटेगरी है ना अगेन यहाँ कैटेगरी से आपको क्या सिलेक्ट करना है कौन कौन सी कैटेगरी मिलेगी जनरल कैटेगरी नंबर कैटेगरी डेट टाइम ठीक है टेक्स्ट साइंटिफिक जिसके बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं तो यहाँ आपको किसे सिलेक्ट कर लेना है यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है टाइम को किसे सिलेक्ट कर लेना है टाइम को तो लेफ्ट साइड में कैटेगरी सेलेक्ट किया राइट साइड में आपको टाइम के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे क्या मिल जाएंगे टाइम के फॉर्मेट्स कुछ इस तरीके से टाइम के फॉर्मेट्स मिलेंगे जैसे डेट में मिले थे एच एच एम एम एस एस एच एच एम एम ठीक है एच एच एम एम ए एम के अकॉर्डिंग पीएम के अकॉर्डिंग जो भी टाइम फॉर्मेट आपको यहां अच्छा लगता है वो टाइम फॉर्मेट आपको क्या कर लेना है वही टाइम फॉर्मेट आपको सिलेक्ट कर लेना है सपोज ये टाइम फॉर्मेट सिलेक्ट किया सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो ये जो सिलेक्टेड टाइम था सब उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा जो आपने यहाँ फॉर्मेट सिलेक्ट किया होगा ए एम वाला फॉर्मेट होगा तो ये सभी ए एम के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डेट के लिए सिलेक्ट किया था वैसे ही आप यहाँ से टाइम सिलेक्ट कर सकते हो सो कैटेगरी ऑप्शन से मैं फिर से बता रही हूँ

में आ गया और ओके पे क्लिक करोगे तो फर्दर सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी सो फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स हमें अच्छे से क्लियर हो गया टाइम कैसे सेट करना है वो भी हमने जान लिया डेट टाइम साइंटिफिक टेक्स्ट लेबल्स नंबर में डेसिमल प्लेसेस वगैरह कैसे सेट करना है क्या ऑप्शन होंगे फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में नंबर टाइप का क्या रोल है कैटेगरीज क्या है वो जान लिया अच्छे से जनरली ये स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है हम लिख लिख के थक जाते हैं नंबर वैसे शो नहीं होते हैं डेट टाइम आप बदल नहीं पाते हो तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है जो कि फॉर्मेट बदलना चाहते हैं सेल में डेटा एंटर करने के लिए डेटा वैल्यूज को चेंज

और अब यदि आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो बुक्स और ई e बुक्स की फैसिलिटी को भी तो ये भी पॉसिबल किया है मैग्नेट ब्रेंस ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स ई e बुक्स को एक्सेस करना है या फिर किसी सैम्पल पेपर एम या स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना है जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू आपके लिए बनाई गई है सो कैसे एक्सेस करोगे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एक लिंक बुक्स ई e बुक्स से रिलेटेड उस पर क्लिक कर देना जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ही गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा उस फॉर्म को आपको फिल कर देना है टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी सो So, related, तो मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड यदि कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो आप ट्विटर इंस्टा फेसबुक जैसे पेजेस को भी मैग्नेट ब्रेन्स आपको हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल दन स्टे यर स्टेपी थैंक यू सो मच